वेलकम फ्रेंड्स, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर लेके आया हूँ, न्यूज़पेपर पे आधारित है, मुंबई के एक न्यूज़पेपर पत्रिका बाज़ार के हिसाब के मुताबिक एक न्यूज़ जो छपी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 को एक नया रूल बैंक में लागू हो रहा है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड पे जो है उसमें बैड प्रदर्शन, बुरे बैड परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस पर कटौती करी जाएगी सैलरी में। उन्होंने यह न्यूज़पेपर में ये बताया है कि बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बैंकों की हालत मंदा होने के बाद भी, मंदी हालत के बाद भी, वो परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद भी वो मोटी मोटी तनख्वाह लेते जा रहे हैं। तो इसको इसलिए 1/4/2020 से इसको परफॉर्मेंस लिंक्ड से करा जाएगा। जिसकी जितनी परफॉर्मेंस अच्छी है उतनी अच्छी पे मिलेगी, अगर नहीं है तो कम पे मिलेगी। वेरिएबल पे कंपोनेंट इसमें डाला जाएगा। तो वेरिएबल पे में उसने बताया है कि परफॉर्मेंस के साथ इसको लिंक किया जाएगा। जिस डायरेक्टर की, जिस जनरल मैनेजर की, जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, जिसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, पुअर परफॉर्मेंस है, बैड प्रदर्शन, बुरा प्रदर्शन किया है, तो उसकी कटौती करी जाएगी। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये रीजनल रूरल बैंक, लघु उद्योग बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, सभी के ऊपर ये सभी का रूल लागू है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के बैंकों के उच्च अधिकारियों को साथ लेकर ये कानून बनाया है, और इसमें इंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि वेरिएबल पे अगर 200% से ज़्यादा है तो 50% नॉन कैश शेप में होगा। 200% है तो 50% होगा, और 200% से ज़्यादा है वेरिएबल पे तो 67% नॉन कैश होगा। और नॉन कैश में ग्रेजुटी, शेयर लिंक्ड बोनस, कस्टमरी बोनस, ऐसी तरह की चीज़ें होंगी जो नॉन कैश शेप में आएंगी। तो बैंकों के ऊपर नकेल डाल दी गई है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने बड़े मोटे मोटे अफसरों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, बड़े बड़े चेयरमैन बैंकों के इस जाल में फंस जाएंगे। रिज़र्व बैंक ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत देर के बाद लिया है, क्योंकि बैंकों की मंदी हालत होती जा रही है। खस्ता हालत के बाद भी जो एम्प्लॉयज़ हैं बड़ी मोटी मोटी पोस्टों पर बैठे हैं, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। तो इसलिए रिज़र्व बैंक का जो डिसीजन है, टाइमली डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसकी जो ऑथेंटिकेशन है अभी न्यूज़पेपर बेस्ड है। अभी मैंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं पढ़ा है, मैंने कहीं देखा नहीं है, ना ही मैंने गूगल पे सर्च करी है। मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर के बेस पर और सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर ये मैंने वीडियो बनाई है, और मुझे आशा है कि ऑथेंटिकेटेड होगी, सच होगी। और दूसरी बात है, इस वीडियो को आप शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करोगे, और लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।